हेलो एवरीवन, ये केल्विन स्टार का इन हाउस प्रोडक्शन है। इसे हम कैंडी आइसक्रीम मशीन, पॉप्सिकल आइसक्रीम मशीन, कुल्फ़ी आइसक्रीम मशीन और बहुत जगह पर इसे लॉली आइस भी कहते हैं। ये एक्चुअली मशीन एक ही होती है, बट इसमें क्या है कि मोल्ड चेंज हो जाते हैं, उनका शेप चेंज हो जाता है। बेसिकली आप मेरे केल्विन स्टार की इस मशीन से कुल्फ़ी भी बना सकते हैं, मटका कुल्फ़ी भी बना सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉप्सिकल आइसक्रीम्स भी बना सकते हैं। और ऐसे कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो हम आपको बताते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में और कम पैसे में, पैसे की लागत लगाकर आपको हाई प्रॉफिट जो है वो किस तरह से मिलेगा। इस मशीन में हमने बहुत ही हाई रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाया है जो कि -25 तक जाता है। हालांकि आपकी जो आइसक्रीम है वो -12 और -15 में ही बनना स्टार्ट हो जाती है। इस मशीन के अंदर हमने पानी के साथ साथ ग्लाइकोल और कैल्शियम हमने मिक्स किया हुआ है। बहुत लोग, जैसे कि हम सजेस्ट करते हैं बेसिकली कि या तो आप पानी के साथ ग्लाइकोल मिक्स करें या फिर पानी के साथ आप कैल्शियम मिक्स करें, क्योंकि ये ग्लाइकोल और कैल्शियम जो हैं ये आपके मशीन की जो लाइफ है उसको बढ़ा देते हैं। और प्लस इसमें जो भी जर्म्स होते हैं या कीटाणु होते हैं ये उसको पैदा नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये जो पानी है जो आपने इसमें स्टोर किया हुआ है ये आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है। एक ही बार के इस मटेरियल में आपका काफ़ी सारा प्रोडक्शन जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। इस मशीन में जैसे कि कुल्फी, लॉली, मटका कुल्फी आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मैं वो सिंपली आपको बता देती हूँ। इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है मोल्ड हम यूज़ करते हैं। ये मोल्ड कुछ इस तरह के होते हैं, लाइक आप इसमें कुल्फी बना सकते हैं, इनका शेप जो है ये कुल्फी की तरह आएगा। देन आप इसमें जो है मटका कुल्फी बना सकते हैं जिसका शेप इस तरह का आएगा। देन आप इसमें पॉप्सिकल भी बना सकते हैं। और तो और अगर आप इसमें चाहें तो चोको बार भी बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के जो मोल्ड है मैंने आपको बता दिए हैं, हम ये मोल्ड भी बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि मोल्ड तो हर कोई बनाता है, लेकिन केल्विन स्टार जो मोल्ड बनाता है वो फुल्ली SS304 का होता है और जो कि फूड ग्रेड भी है और जिसमें कि रस्ट भी नहीं लगता है। SS30 के साथ साथ जो है ये मोल्ड आपके फुल्ली ऑटोमेटिक होते हैं। इसमें आप कुछ देख रहे हैं कि स्टिक्स लगी हुई हैं, ये दो पार्ट्स में होते हैं। एक ये पार्ट होता है जिसमें कि हम स्टिक को इन करते हैं, लाइक इस तरह से हम स्टिक्स जो हैं इसमें इंसर्ट करते हैं। ये फुल्ली ऑटोमेटिक होने का एक फ़ायदा आपको ये होता है कि आपकी जो भी पॉप्सिकल्स हैं या कुल्फीज हैं उनका जो शेप है वो प्रॉपर आता है और इक्वली आता है। अगर आप नॉन सेमी ऑटोमेटिक या सिंपल अगर आप यूज़ करते हैं मोल्ड को, तो उसमें क्या होता है कि ये जो सांचे आप देख रहे हैं मोल्ड के, इसमें जब आप फ्लेवर डालते हैं और मैन्युअली जब आप उसमें स्टिक्स को इन करते हैं तो आपका कोई बीच में आता है, कोई दाएं चला जाता है, कोई बाएं चला जाता है, जो कि बहुत ख़राब इम्प्रेशन जो है वो कस्टमर के ऊपर फेंकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी मशीन और चाइना मशीनों में जो है बहुत लंबा फ़र्क है। उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी फूड ग्रेड नहीं होते हैं, वो जिस मटेरियल से बनाते हैं आइसक्रीम मशीन वो भी फूड ग्रेड नहीं होता। प्लस उसमें जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो कि किसी भी आइसक्रीम मशीन के लिए बहुत अहम पार्ट रखता है वो भी सही नहीं होता है। इसमें इतना हाई रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा हुआ है कि मेरी मशीन में आपका जो एक बैच है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट में निकल जाता है, लेकिन चाइना की मशीनों में एक बैच निकलने में तकरीबन 1.5 घंटा से 1 घंटा लग जाता है। जहाँ पर आप मेरी मशीन से जितना प्रोडक्शन ले सकते हैं उसका 40% या 30% भी चाइना मशीन नहीं दे पाती है।
अगर आप केल्विन स्टार की मशीन यूज़ करते हैं और अगर पर बैच अगर आपका 15 मिनट्स में निकल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो भी कम हो रहा है, प्लस क्या है कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है और आपका बहुत पैसा हो या समय हो उसकी बचत हो रही है। दूसरा ये है कि फुल्ली ऑटोमेटिक मोल्ड यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि एक तो ये आपको सही शेप तो देता ही है, दूसरा अगर आपकी जब आइसक्रीम बनकर रेडी हो जाती है तो जब आप आइसक्रीम को निकालते हैं तो आपको मैन्युअली एक एक करके खींच के निकालनी नहीं पड़ती है। इसमें कुछ ऐसा सिस्टम दिया हुआ है कि जो आपका एट ए टाइम एक ही बार में सारी आइसक्रीम्स को निकाल देगा इस तरह से। तो यही फ़र्क है चाइना की मशीनों में और केल्विन स्टार की खुद की बनाई हुई मशीन में। आप देख रहे हैं कि ये मेरी मशीन जो है ये अभी -26 तक ऑलरेडी जा चुकी है, ये -30 तक भी जाती है, जबकि मेरी जो आइसक्रीम्स हैं वो -12 to -15 तक बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मशीन में हमने किस क्वालिटी का हाई रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाया हुआ है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक मोल्ड हम यूज़ करते हैं, ये आप देख रहे हैं कि मैंने इस मोल्ड को स्टिक से पूरा कंप्लीट कर लिया है। और चूँकि ये एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये सिंगल मोल्ड की मशीन है, मतलब इसमें हम इस तरह का एक मोल्ड रख सकते हैं। तो मैं इस एक ही मोल्ड में आपको कुल्फी और पॉप्सिकल दोनों ही बनाकर दिखाऊंगी। ये पर मोल्ड में आपके तकरीबन 50 के करीब खांचे रहते हैं, ये 50 कुल्फियाँ या 50 पॉप्सिकल जो है ये आपका एट ए टाइम आपका बनता है। तो ये एक ही मोल्ड का है, तो मैं आपको ये सिंगल मोल्ड में ही आपको कुल्फी का और पॉप्सिकल का दोनों का ही डेमो दे रही हूँ। ये एक में हमने मैंगो का फ्लेवर तैयार किया है जो कि मेरे को पॉप्सिकल बनाने में काम आएगा, और इसमें हमने मिल्क का जो है वो तैयार किया है, फ्लेवर तैयार किया है कुल्फी के लिए। इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं ग्रेट करके। तो चलिए अब हम यूज़ करते हैं, अब हम शुरू करते हैं कि किस तरह से इसको हम इस खांचे में डालेंगे और किस तरह से जो है कुल्फी का प्रोसीजर चालू होगा। रेडी, ये हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कुल्फी बनाने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली केसर पिस्ता जो है वो ग्रेट किया हुआ है। तो पहले मैं कुछ खांचों में ये केसर पिस्ता जो है ये ग्रेट किए हुए डाल दे रही हूँ। इससे क्या है कि जब आप किसी को देते हैं खाने के लिए तो वो देखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, साथ ही उसका टेस्ट जो है और फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। ये अब हम कुल्फी का फ्लेवर डाल रहे हैं, इसको थोड़ा सा ये कर लेते, शेक कर लेते, इसमें नट्स है ना तो नीचे बैठ गए। ये अब हमने जो मिल्क का फ्लेवर जो तैयार किया था वो अब हम इसमें डाल रहे हैं। ये अभी हम इसमें मैंगो का फ्लेवर बना के डाल रहे हैं जो कि पॉप्सिकल आइसक्रीम के लिए तैयार किया गया है। ये सिंगल मोल्ड की मशीन है इसलिए हम एक ही मशीन में आपको कुल्फी और पॉप्सिकल दोनों ही बनाकर दिखा रहे हैं। फ्लेवर आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, अपने टेस्ट के अनुसार से भी बना सकते हैं कि आपको कौन सा फ्लेवर जो है वो बनाना है, या आप अपने मार्केट को पहले सर्वे कर ले कि आपके मार्केट में कौन सा फ्लेवर बहुत ज़्यादा चलता है, उस हिसाब से ही आप बनाएं। क्योंकि मार्केट के हिसाब से अगर आप बनाते हैं फ्लेवर तो वो आपको अच्छी सेल देता है। ये आप देख रहे हैं कि हर एक सांचे को फील किया जा रहा है मैंगो के फ्लेवर से। ये कुछ अभी हम इसमें कुल्फी का भी फ्लेवर डालेंगे जिसमें जो कि हमने फुल क्रीम मिल्क से ये कुल्फी का फ्लेवर है जो कि हमने फुल क्रीम मिल्क से और कुछ इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हमने ग्रेट करके डाले हुए हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सिंगल मोल्ड की मशीन है,
ये एक ही सांचे में, एक ही मोल्ड में हम आपको दोनों ही टेस्ट जो है वो बना कर दिखा रहे हैं, कुल्फ़ी का भी और पॉप्सिकल का भी। ये हर एक मोल्ड में तकरीबन खांचे होते हैं 50, मतलब एट ए टाइम आपकी 50 कुल्फियाँ या फिर 50 जो पॉप्सिकल हैं वो तैयार हो जाते हैं। और कुछ इसके साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, एक्चुअली मोल्ड है जो हैं उनके खांचे के जो साइजेस हैं वो डिफरेंट साइजेस आते हैं, लाइक 50 ml के, 40 ml के, 100 ml के। तो वो जैसे आपके कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट होगी या जैसे आपका रिक्वायरमेंट होगा आप उस हिसाब से सांचे ले सकते हैं। अब इस फ्रेम को हम इसमें सेट कर रहे हैं जिससे स्टिक्स जो हैं इन आइसक्रीम्स के पूरे मिडल में सेट हो जाएं। आप देख रहे हैं ये पूरा सेट हो गया है। ये अब हम ग्लाइकॉल और पानी के मिक्सअप में रख रहे हैं। अब हमने इस मोल्ड को इसमें रख दिया है। विद इन 10 मिनट्स ये आपकी आइसक्रीम्स और कुल्फी जो हैं ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। जैसा कि आपने देखा था कि तकरीबन 10 मिनट पहले इस मोल्ड में हमने कुल्फ़ी और पॉप्सिकल दोनों के फ्लेवर बनाकर डाले थे। अब 10 मिनट हो गए हैं, ये आइसक्रीम बनकर तैयार है। सबसे पहले हम इसे थोड़े नॉर्मल पानी में डुबो देंगे जिससे जितनी भी आइसक्रीम्स हैं वो इजीली जो हैं वो छूट जाएं, क्योंकि अभी जो हैं ये बाहर से भी बहुत ज़्यादा आइसी हैं तो दिक्कत होगी निकालने में। इसलिए एक बार नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में एक बार इसको डुबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आप देख रहे हैं कि एक ही मोल्ड में हमने कुल्फ़ी का और पॉप्सिकल दोनों का फ्लेवर डाला था और ये सारी जो हैं आइसक्रीम्स और कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई हैं। ये कुल्फ़ी है जो हमने फुल क्रीम दूध से और ग्रेटेड ड्राई फ्रूट से बनाई थी और ये मैंगो का फ्लेवर है। ये आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक भी बीच में कहीं पे क्रैक का निशान नहीं है और इसकी हार्डनेस ज़रा आप देखिएगा कि ये कहीं से भी ये लीक नहीं हो रही है या कहीं से भी ये चू नहीं रही है, ये एकदम पर्टिकुलर हार्ड है। तो इसीलिए ये केल्विन स्टार की मशीन है। केवल केल्विन स्टार के मशीन में ही ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हम इस तरह का रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसमें हाई क्वालिटी का यूज़ करते हैं कि जो आपके आइसक्रीम्स को या कुल्फ़ी को सही शेप देता है, सही हार्डनेस देता है, सही हाइजीन देता है और साथ ही सही मुनाफा भी देता है। तो फिर देर किस बात की, आप आइए केल्विन स्टार के साथ जुड़िए और जल्दी से अपना बिजनेस शुरू करें इस छोटी मशीन के साथ और बहुत बहुत लाभ कमाएं। केल्विन स्टार की शुभकामनाएं आप सबके साथ हमेशा। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को लाइक एवं शेयर कीजिए और अगर आपको हमारा ये चैनल भी पसंद आया हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।